हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ। एक भी टॉपिक कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको कहीं पे भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। पर एक मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखिए, स्पीड बढ़ा के मत देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो आपको देखना है। इसको प्रॉपर तरीके से देखें, समझें और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। प्राइस एक्शन का सबसे जो बेस्ट टूल है वो कैंडलस्टिक्स है, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं फ्री में बता रहा हूँ, आप सीखिए यहाँ से कुछ और प्रॉफिट करिए अपनी ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक समझने के लिए कैंडल्स को समझना जरूरी है कि कैंडल बेसिकली होती क्या है। यहाँ पे एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी बोल देते हैं, रेड कैंडल को बेरिश कैंडल बोल देते हैं। हर कैंडल पे आपको चार चीजें कॉमन मिलेंगी, वो क्या है? उस कैंडल का हाई, कैंडल का क्लोज। हाई आपको मिलेगा, लो मिलेगा एंड क्लोज एंड ओपन, ये चार चीजें कैंडल में जरूर होंगी। पांचवा इसमें पॉइंट जो है वो है इसकी बॉडी, ओके। फिर है अपर शेडो। ये सभी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें आखिर में होती क्या है। पहले मैं आपको बता रहा था कि ये दो चार सात चीजें कॉमन है इसमें। सबसे पहले है कैंडल, सपोज यहाँ से खुला, जब खुलते ही मार्केट ऊपर जाएगा तो कैंडल कौन सा रंग बनाएगा? ग्रीन, ग्रीन कलर बनाएगा, ग्रीन कलर बनाएगा। इसके बाद कैंडल यहाँ तक का हाई लगाता है, इतना ऊपर जाता है और उसके बाद वहां पे उसको रिजेक्शन मिलता है, यहाँ तक आ जाता है और यहीं पे कहीं पे आके क्लोज कर देता है। इसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे कैंडल का। ओपन यहाँ से किया, ऊपर गया, जब ओपन किया तो उसके बाद नीचे भी जा सकता है। नीचे जाएगा तो कौन सा कलर बनाएगा? रेड। पर नीचे क्लोजिंग नहीं हुई इसलिए ये लो बन गया, फिर ऊपर गया ग्रीन बन गया, ऊपर गया ये विक बन गई ऊपर की, ये विक बन गई नीचे की। तो ये लो भी आपको समझ आ गया, हाई भी आ गया, क्लोज भी समझ आ गया, ओपन भी आ गया। ओपन के बाद अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर बनेगा, नीचे आएगी तो रेड कलर बनेगा। क्लोजिंग कहाँ पे हुई? ओपन यहाँ पे हुई थी, नीचे आती रही तो यहाँ पे आके क्लोज कर गई। नीचे आई कहाँ तक थी? यहाँ तक आया था प्राइस, पर यहाँ से रिवर्स हो गया इतना। यही डिपेंड करता है कि कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे लो लगा, कहाँ पे क्लोज लगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर छोटी सी पतली सी डंडी बनी, इसको हम बोलते हैं अपर शेडो, इसको हम बोलते हैं लोअर शेडो, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी किस कलर की बनी, ग्रीन की बनी या रेड की बनी, वो डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंडल्स के बारे में जानकारी। मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। चार पांच पॉइंट देखने वाले कि ओपन कहाँ से हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, हाई कहाँ तक लगा, लो कहाँ तक लगा, कैंडल की जो बॉडी थी वो कितनी थी। अगर कैंडल की बॉडी छोटी हो जाती है उसको हम इंडिसीजन कैंडल बोल देते हैं, पूरी बुलिश हो जाती है तो उसका नाम और हो जाता है, एक तरफ ऊपर चली जाती है उसको हैमर बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप की ये बनती जाएंगी सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बेसिस पे। अभी आगे जो हमारा है कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, कितने कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे आपके हिसाब से, उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है जो कैंडलस्टिक पैटर्न, मोरोबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में यहीं पे स्टडी करेंगे। फिर है उसके बाद स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक, सभी कैंडल्स के बारे में आपको इसी एक ही वीडियो में मैं यहाँ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब सबसे पहला जो है उसके बारे में शुरू करते हैं, वो है मोरोबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मोरोबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है, इन सभी को मैं लाइव चार्ट में भी आपको दिखा दूंगा, पर इस वीडियो में नहीं, अलग वीडियो में। पहले आप यहाँ पे इनको समझ लो, सीख लो, फिर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है और उसका महत्व कितना है। तो ये कैंडल भैया, इसको बोलते हैं मोरोबोजू कैंडल। वहां पे क्या था, आपने देखा था कि एक ऐसे ये क्या बनती है, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं, अपर शेडो, ये होती है लोअर शेडो। इस जो ग्रीन वाली कैंडल है क्या उसमें कोई अपर शेडो है? उसका क्लोज एंड हाई इक्वल टू है, बराबर है बिल्कुल। और इसमें बेरिश में ये दोनों बराबर है, क्लोज भी वहीं पे है, लो भी, मींस कैंडल वहीं पे क्लोज हो गया यहाँ जहां पे उसका लो लगा था, और यहाँ पे कैंडल वहीं पे क्लोज हो गया जहाँ पे उसका हाई लगा। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाने की, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे आने की। तीसरी चीज यह है, ये बनी कहाँ पे है, ये भी जरूरी है। ये आमतौर पे जितनी भी कैंडलस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारी कैंडलस्टिक जो है वो कहाँ पे बनेगी, रिवर्सल पे बनेगी, ट्रेंड रिवर्सल होती है सभी। अगर ट्रेंड ऊपर को जा रहा है तो हम ऐसे 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 जा रहे थे तो वहां पे कैंडल बन गई रेड, जिसका कोई भी लो नहीं है, अपर शेडो है जिसकी,
नीचे कुछ भी नहीं है, ये इक्वल टू लो और क्लोज है जो वो बिल्कुल यहीं पे बंद हुई, यही इसका डे का लो था। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड डाउन आने वाला है। जब डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर उसके बाद कौन सा ट्रेंड आएगा, अभी डाउन है ट्रेंड, मान लो ये ट्रेंड डाउन है। अगर यहाँ पे कहीं पे ये कैंडल बन जाता है इस तरह का, जिसकी ऊपर कोई शेडो नहीं है, क्लोज एंड हाई बराबर है, बिल्कुल सेम है, तो हम इस कैंडल को क्या बोलेंगे, मोरोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ से फिर ट्रेंड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल। हमें फाइंड आउट करनी है कि ये बन कहाँ पे रही है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बन गई आप बाय कर लो या सेल कर लो, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो समझ आया आपको, जहां पे कैंडल क्लोज हुई है अगर नीचे प्राइस आ रहा था वहां पे मोरोबोजू कैंडल बन गई तो बायर का जहां पे एंट्री हो गया इट मींस मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जा रही थी तो बेरिश हो गई कैंडल, ये बन गई मोरोबोजू कैंडल स्टिक बेरिश मोरोबोजू, तो वहां पे प्राइस अभी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं मोरोबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या देखना है, वी हैव टू फोकस ऑन द शेडो एंड बॉडी ऑफ कैंडल, कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी बनी है और क्या लोअर पे शेडो, ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही शेडो नहीं होगी, हो सकता है छोटी सी हो, छोटी सी होगी तो भी उसको हम बुलिश और बेरिश मोरोबोजू बोल सकते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल, ये बहुत पावरफुल कैंडल होती है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत रहते हैं, अगर नीचे है तो ऊपर का रिवर्सल आएगा या अगर ऊपर है तो नीचे का ट्रेंड शुरू होगा। दे हैव ए लॉन्ग बॉडी विद स्मॉल और नो शेडो, या तो छोटी होगी उसकी शेडो, शेडो तो आपको समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल में, ऐसे अगर कैंडल बनी है अगर उसकी विक इतनी सी है तो वो छोटी कैंडल भी हो सकती है और या फिर ऐसे भी हो सकती है नीचे की शेडो होगी ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ सॉरी, व्हेन अ ग्रीन मोरोबोजू कैंडल इज फॉर्म्ड इट मींस ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, अगर फॉल तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल छोटा सा हो सकता है विक बने, नहीं तो वो जहां तक ऊपर गया वहीं पे क्लोज हो गया, इट मींस प्रेशर बायर का बहुत ज्यादा है, टेक ओवर किसने कर लिया, बायर ने कर लिया। सिमिलरली रेड मोरोबोजू फॉर्म्ड, वहां पे अगर रेड बनती है तो वो फॉल करता है, फॉल करता है जहां तक लो लगता है वहीं पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट किसके हाथ में आ गई, बेरिश मार्केट बन गई, जो बेरिश मार्केट बन गई तो प्राइस नीचे ही नीचे आता रहेगा। कैन बी ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल, या तो ये बेसिकली तो वैसे ही अगर आप देखें तो ट्रेंड रिवर्सल पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, और कंटिन्यूशन में भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा था तो और बुलिश होकर ऊपर चला गया तो भी हम यही मानेंगे कि प्राइस यहां से और ऊपर जाना चाहता है। ए मोरोबोजू विद हायर वॉल्यूम इज मोर पावरफुल, इसके साथ प्राइस एक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक है, ट्रेंड लाइन है, वॉल्यूम का भी रोल वहां पे रहता है, ये वॉल्यूम कितना है, जब वो ऊपर गई वो कितना वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम कौन बताएगा, उसकी बॉडी बताएगी कितनी बड़ी उसकी बॉडी बनी। सेकंड हमारा आ रहा है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है, ये कहाँ पे बनेगा, पोज हम अप ट्रेंड में चल रहे थे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कहीं पे रेड कैंडल बन गया, रेड या ग्रीन वो कोई डिपेंड नहीं करता, ऐसे जिसकी बॉडी बहुत छोटी होगी और विक बड़ी होगी, विक उसकी बड़ी होगी, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, कि इसकी विक बड़ी होगी और बॉडी छोटी होगी, क्यों विक बड़ी होगी, क्यों बॉडी छोटी होगी, बिकॉज मार्केट में अभी फाइटिंग चल रही है, ऊपर वाले ऊपर नहीं जाने देते, नीचे वाले नीचे नहीं आने दे रहे, जो ऊपर वाले नीचे नहीं आने दे रहे और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर नहीं जाने दे रहे, ऊपर नीचे में प्राइस फंस के रह गया है, कहीं यहीं पे आसपास में क्लोज हो गया, फाइटिंग पूरी जबरदस्त हुई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रखना है, ये तो यहाँ पे बनेगी, मोस्टली इसके कलर पे आपको नहीं जाना, ये ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रेंड ऐसे 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 नीचे चल रहा था वहां पे ग्रीन बने रेड बने तो इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, अगर ऊपर बनेगी सॉरी नीचे नहीं बनेगी, नीचे फिर हैमर वगैरह हम बोल देते हैं। यहाँ पे हमने यही देखना है, अगर ये टॉप पे बनती है तो वहां से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यही स्पिनिंग टॉप है, टॉप मीन्स टॉप पे बनेगी। इसमें कुछ पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मैंने आपको बताया सभी, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक होने वाली है, द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर, ये भी मैंने बता दिया, कोई कलर का मैटर नहीं है, हरी बने लाल बने, बॉडी छोटी और विक बड़ी, बस द बॉडी हैज टू बी स्मॉल, बॉडी छोटी होनी चाहिए, अगर बॉडी बहुत बड़ी है, अगर बॉडी ऐसे बन गई तो हम इसको स्पिनिंग टॉप नहीं मानेंगे, ये कुछ और ही बन गया, फिर इसको अलग नजरिए से देखना होगा। द शेडो हैज टू बी लॉन्ग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जो शेडो है, शेडो ये है, ये बड़ी होनी चाहिए, कैंडल ऐसी होनी चाहिए, शेडो बड़ी होनी चाहिए, फिर इसको हम स्पिनिंग टॉप मानते हैं। द कैंडल सजेस्ट
indecision as the spinning top form when there is pressure from both buyer and seller. Both cannot control. दोनों का कोई control नहीं है, कोई ऊपर जा रहा कोई नीचे जा रहा है, लड़ाई पूरी जबरदस्त इस पॉइंट पे हो रही है. द प्राइस मूव ऑन बोथ डायरेक्शन क्रिएटिंग द लॉन्ग शेडो बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था. ये सपोज एड बंद हो गया तो ये ओपन है, अगर ग्रीन बंद हुई तो ये ओपन है. अगर यहाँ पे खुल के यहाँ जाती तो ग्रीन बनेगी, अगर यहाँ खुल के नीचे आती तो रेड बनेगी, शेडो बड़ी होगी, अपर एंड लोअर शेड. तो इसको हम मान लेते हैं कि ये स्पिनिंग टॉप बन गया. ये बनता किस टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में बनता है भाई, हर टाइम फ्रेम में बनता है. 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट, वहीं पे हम ट्रेड कर सकते हैं. वन डे में भी बनता है, वीक में भी बनता है, मंथ में बनता है. जितना जहाँ पे बनेगा उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही मिलेगा. 5 मिनट में 5 जितना मिलेगा, वहाँ पे आप 50 का 1000 नहीं सोच सकते. वहाँ पे जितना ऊपर गया उसके बाद रिवर्स करके नीचे आके सपोर्ट पे फिर ऊपर चला जाएगा. इसी तरह अगर मंथली टाइम फ्रेम में बना है तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस अभी रुक चुका है और ट्रेंड रिवर्स होना चाहता है. द कैंडल इज नेम्ड आफ्टर द टॉय स्पिनिंग टॉप विच मेनी ऑफ यूज हैव प्लेड किड्स. जो बच्चे खेलते हैं मैं बता रहा था वो टॉयस, उसी को हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं. आगे है ग्रेवस्टोन डोजी. ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है उसकी शेडो मैं आपको बताता हूँ कैसी होगी. ये हो ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर से. तो अगर आपको नाम भी नहीं याद ना, अगर आप मान के चलो प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ से इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, आप भी शायद यही बोलते होगे, प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिला है. रिजेक्शन और पॉइंट कौन सा है, हो सकता है ये कोई रेजिस्टेंस हो सकता है कोई पिछला सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या पिवट पॉइंट हो, कुछ भी यहाँ पे कोई पॉइंट बना हो ऊपर से ये बन जाए तो वहाँ पे हम अपनी पोजिशन बेरिश कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हर वार ट्रेड में आपको ये चीजें देखनी होंगी, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी आप इन चीजों को वैल्यू देख सकते हो. ऐसी कैंडल बनेगी, उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, अच्छा मूव आपको देखने को यहाँ पे मिल गया. इसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी. स्पिनिंग टॉप ऐसा था, ग्रेवस्टोन डोजी ऐसा है. इसमें ऊपर की विक है खाली के प्राइस ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसे कहीं किसी पॉइंट से रिजेक्शन मिल रहा है तभी वो नीचे आ रहा है. ग्रेवस्टोन डोजी वर्सेस ड्रैगन फ्लाई डोजी. ड्रैगन फ्लाई क्या है, ड्रैगन फ्लाई नीचे बनेगा, कलर मोस्टली रेडी होगा इसका, मोस्टली यहाँ ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया फिर खाली हो गया बिल्कुल, ये यहाँ से नीचे तक आया, रेड कैंडल बना था यहाँ से क्लोज ओपन होके यहाँ तक आया फिर ऐसे 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 ऊपर चला गया और क्लोज यहीं पे कहीं पे हो गया. इट मीन्स जो बेरिश थे उनके हाथों से कंट्रोल अभी जा चुका है, बुल यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, वो मार्केट प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे. यहाँ पे प्राइस अभी बेरिश के हाथ में आ गया और प्राइस नीचे आएगा. बनेगा हर कोई ट्रेंड रिवर्सल पे, या टॉप पे या बॉटम. अगर ये बॉटम पे मिलता है तो ड्रैगन फ्लाई है, ऊपर मिलता है ग्रेवस्टोन डोजी है. यही इसका डिफरेंस है. नहीं, ग्रेवस्टोन डोजी है तो रिवर्सल स्ट्रोक ट्रेडिंग पैटर्न, रिवर्सल पे मिलेगा मैंने पहले ही बता दिया. दैट कैन बी बेरिश एज वेल एज बुलिश डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक. कहाँ पे है, नीचे है या ऊपर है. अगर ऊपर है तो ग्रेवस्टोन डोजी. If this candlestick appeared after an uptrend, this strong resistance zone, this pattern would be bearish. अगर वहां पे अगर ऐसे ऐसे जा रहा था, वहां पे कहीं पे ये कैंडल मिल गया और ऊपर हमारा कोई रेजिस्टेंस एरिया था तो ये फिर बेरिश यहाँ से मार्केट होगा, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. बाकी सारी चीजें प्रेडिक्शन है, कुछ भी फिक्स तो नहीं होता. अगर फिक्स होगा तो आप 1 करोड़ रुपया लगा के एक ही दिन में अरबों खरबों पति बन जाएगी. एक परसेप्शन हम लगा के चलते कि ये होगा ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा. मार्केट में ये चीजें हो रही हैं, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो जाके. दिस कैंडलस्टिक अपीयर आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड डाउन ट्रेंड विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, दिस इज बुलिश कैंडलस्टिक एंड पैटर्न इज आल्सो बुलिश. अगर नीचे बन रहा है कहीं पे तो यहाँ से हम क्या परसेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहता है, पर यहाँ पे ये भी देख लेना कोई सपोर्ट है तगड़ी, तभी तो जा रहा है यहाँ से वापस होके, क्योंकि यहाँ पे बायर आ चुके हैं इसी वजह से ये ऊपर जाना चाहता है. इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ग्रेवस्टोन डोजी के बाद आती है शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये शूटिंग स्टार इज अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है विद लॉन्ग अपर शेडो. लॉन्ग अपर शेडो उसकी होगी, लिटिल और नो लोअर शेडो, नीचे की जो शेडो थोड़ी होगी, एंड अ स्मॉल रियर बॉडी नियर द लो ऑफ डे. नीचे होगी, बिल्कुल नीचे होगी तो फिर लो ऑफ द डे होगी. इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार. स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार. ये छोटी विक हो सकती है, ये भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती. कलर कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कलर हो उसको हम शूटिंग स्टार ही बोलते हैं. है बिल्कुल ग्रेवस्टोन डोजी के जैसा ही. ग्रेवस्टोन डोजी क्या था, ऐसा था
या फिर नीचे से ऐसा था, उसी की तरह पर इसमें छोटी बॉडी हो जाती है। अगर आप बेसिकली समझें चीज, तो यहाँ पे कौन टेक ओवर कर रहा है? बायर। यहाँ पे कौन कर रहा है? सेलर। चीज तो कॉमन ही है, अगर वो इतनी पतली बन के आई या इतनी मोटी बन के आई उसका इतना मैटर नहीं होता। हाथ कंट्रोल किसके हाथ में आ रहा है वो हमें देखना है। अगर वो सपोर्ट पे आ रहा है बायर वाला तो वहां भी देखना, टॉप पे आ रहा है बेरिश वाला वहां पे सेलर आएंगे तो उस पोजीशन को उसी साथ। और उसके बाद है बुलिश इंगल्फिंग। ये तो आपने बहुत सुना होगा बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। बुलिश इंगल्फिंग बेसिकली है क्या चीज, क्योंकि ये कैंडल थी रेड, क्योंकि प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा था, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इनगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल, उसको पूरी को कवर कर लिया। इस चीज को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश कैंडल ओपन एट द लोअर देन प्रीवियस कैंडल क्लोज, बुलिश कैंडल क्लोज अबव द प्रीवियस कैंडल हाई, उसके हाई के ऊपर और उसके लो के नीचे इस कैंडल का लो बना है, तो ये इस चीज ने इसको पूरा इंगल्फ कर लिया। इस चीज को हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। आगे बुलिश इंगल्फिंग के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। द बुलिश इंगल्फिंग कैंडल सिग्नल्स रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का रिवर्स होगा, एंड इंडिकेट अ राइज इन बाइंग प्रेशर व्हेन इट अपीयर एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। दिस पैटर्न ट्रिगर अ रिवर्सल ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड एज मोर बायर्स एंटर द मार्केट एंड मूव द प्राइस अपवर्ड। प्राइस नीचे गिर रहा था तो वहां पे बायर एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया था। पैटर्न इन्वॉल्व टू कैंडल्स, दो कैंडल इसमें आएंगी, एक होगी छोटी रेड कैंडल और दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल। इसके बाद है बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग क्या है, प्राइस जो हमारा था, प्राइस ऐसे करके ऊपर जा रहा था और यहाँ पे ये कैंडल बनी, उसके बाद टॉप, चीजें वही याद रखनी है, वहाँ टॉप पे कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, पिवट पॉइंट हो सकता है और RSI का टॉप हो सकता है, वहां पे कहीं पे जाके मार्केट में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, वहां पे टॉप पे जाके कहीं पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस रिवर्स हो नीचे आए, बस वही उसके ऊपर इसका क्लोज चाहिए, नीचे क्लोज चाहिए, कैंडल उसके अंदर आने। ये हो गया बेरिश इंगल्फिंग के बारे में। इसमें भी कुछ पॉइंट है, वही है, व्हाट इज बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। द बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न इज द ऑपोजिट ऑफ द बुलिश पैटर्न, द सिग्नल अ रिवर्सल ऑफ द अपट्रेंड, अपट्रेंड का रिवर्स होने वाला है, इंडिकेट फॉल ऑफ प्राइस, प्राइस नीचे आ रहा है क्योंकि प्राइस आ गया सेलर के हाथ में, सेलर प्रेशर वहां पे आ गया। दिस पैटर्न ट्रिगर अ रिवर्सल ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा था यहां से उसका रिवर्सल आएगा यहां पे, ये मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं अगर ये कैंडल टॉप पे कहीं पे रेजिस्टेंस पे बनता है और पैटर्न यहां से ये होगा तो बेरिश बनेगा। बुलिश में क्या है, ग्रीन कैंडल कवर करेगा और बेरिश में रेड कैंडल कवर करेगा, पर टॉप पे और बॉटम पे दोनों की जगह अलग अलग। बुलिश हरामी, ये बहुत ही बेहतरीन कैंडल है, इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बुलिश हरामी कैंडल को हम मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं। बुलिश हरामी कोई हरामी नहीं है, ये हरामी किसी अलग भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मीनिंग होता है मींस प्रेग्नेंट लेडी। बेरिश कैंडल हैज रफली ए लार्ज बॉडी देन अ बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल आ गई, उसके बीच में कहीं पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बन गई, इसके लो के ऊपर और हाई के बीच में, बीच में कहीं पे यहाँ पे गैप होना चाहिए, ऊपर भी गैप चाहिए, वहां पे कहीं पे ये कैंडल बन गई, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है अभी रिवर्सल भी, वहां से प्राइस अभी रिवर्स होगा, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। ये बनता है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी मदर बेबी कैंडल भी बोल देते हैं, बुलिश हरामी भी बोल देते हैं, टू कैंडल पैटर्न। यहाँ पे भी दो कैंडल होंगी, द फर्स्ट शुड बी लॉन्ग रेड कैंडल, द सेकंड शुड बी स्मॉल ग्रीन कैंडल। इन जैपनीज हरामी मींस प्रेग्नेंट, जैपनीज में है, मैं जो बोल रहा था किसी लैंग्वेज में इसका मीनिंग प्रेग्नेंट लेडी है। द फॉर्मेशन ऑफ द टू कैंडल लुक लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, द लार्ज कैंडल इज द वुमेन हु कैरीज द बेबी स्मॉल कैंडल इनसाइड हर। द बुलिश हरामी पैटर्न कैन बी शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, या तो ट्रेंड कंटिन्यूशन रहने वाला है या रिवर्स होने वाला है। अगर हम ऐसे ऐसे चल रहे थे और वहां पे कहीं पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे आएंगे, इसका मतलब हो सकता है हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है। आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा, अगर कोई किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आई तो आप। बेरिश हरामी इसके बिल्कुल उल्ट है, ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कैंडल पहले बनी, उसके बीच में कहीं पे छोटी रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे भी यही है, या तो कंटिन्यूशन होगा या रिवर्सल होगा, प्रोबेबिलिटी दोनों ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे आ रहा था प्राइस, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ग्रीन के बाद ये छोटा सा रेड बन गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी, हमें अकॉर्डिंग टू दैट अपना ट्रेड प्लान करना है। बेरिश हरामी रिवर्सल रिवील्ड द नेम बिकॉज अपीयरेंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, हरामी इज द जैपनीज वर्ड फॉर प्रेग्नेंट, जैसे मैंने आपको बताया। बेरिश हरामी टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे दो हैं, अप ट्रेंड में होगा ये,
ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में था, ये अप ट्रेंड में होगा। और इट कुड बी चेंज फ्रॉम अप साइड टू डाउन साइड फॉर द पैटर्न कॉल्ड बेयरिश हरामी। द फर्स्ट कैंडल हैज टू बी लार्ज एंड ग्रीन। पहली कैंडल जो है वो हरी बनेगी और उसके बाद जो छोटी कैंडल है वो रेड बेयरिश होगी। सेकंड ट्रेंड कैंडल भी स्मॉलर इन साइज, छोटा होगा उसका साइज, जैसे बच्चा हो उसको गोद में उठाया हो। इसके बाद हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार टी कैंडल स्टिक पैटर्न 1 2 3। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, बेरिश जो सेलर थे वो पूरे अग्रेसिव थे, यहाँ पे उनकी अग्रेसिवनेस थोड़ी कम हो। और यहीं पे कहीं पे सपोर्ट का एरिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता है, डिमांड एरिया सपोर्ट एरिया, वहां पे कहीं पे ये बन गई। और इसके बाद जो कैंडल ग्रीन बनी उसने इसे हाई को ब्रेक कर, तो ये कैंडल हमारी हो गई मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं और प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। ये होती है मॉर्निंग स्टार। इसके बिल्कुल ओपोजिट होती है इवनिंग स्टार कैंडल। इसका बता देता हूँ मॉर्निंग स्टार के बारे में, पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल इज अ ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न दैट इंडिकेट बुलिश रिवर्सल इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। इट गिव्स अस अ वार्निंग साइन दैट ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स। ये रिवर्स होने वाला है, हमें इंडिकेट करता है ये कैंडल। इट कंसिस्ट्स ऑफ द थ्री कैंडल, द फर्स्ट टू वन बीइंग बेयरिश कैंडल्स, द सेकंड वन बी बुलिश और बेयरिश विद द स्मॉल बॉडी। वहां पे छोटी बॉडी बनेगी, हो सकता है वो हरी बने या हो सकता है लाल बने, उसका कोई इतना डिफरेंस नहीं होता ग्रीन और रेड में। और उसके बाद अगर वो कैंडल ग्रीन बनती है और उसकी हाई को ब्रेक करती है जो छोटी कैंडल बनी, तो उसको हम मॉर्निंग स्टार बोल लेते हैं। ऐसे ये कैंडल बनी रेड, मान के चलो ये रेड है, और फिर एक छोटी सी बनी कैंडल ये छोटी बॉडी के साथ बहुत हरी है, तीसरी कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेक कर दिया। उन तीनों को मिला के हम बोलते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। इवनिंग स्टार क्या है? इवनिंग स्टार है प्राइस जो था ऊपर जा रहा था, वहां पे कहीं पे एक ये कैंडल बन गई मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार रेड हो ग्रीन हो डजंट मैटर, पर अगली कैंडल अगर इसके नीचे खुलती है गैप डाउन और नीचे आती है, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ से भी ट्रेंड रिवर्स होगा, थ्री कैंडल इसमें भी होगी, 1 2 3, तीन कैंडल का ये कॉम्बिनेशन हो। उसके बाद है इवनिंग स्टार के कुछ पॉइंट दैट अपीयर इन द एंड ऑफ ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में होगा, वो डाउन ट्रेंड में था। इवनिंग यहाँ पे होगा जब प्राइस पूरा ऊपर जा चुका होगा, कहीं पे रेसिस्टेंस के आसपास होगा और ये कैंडल बनेगी, फिर ये बनेगी और इसके वाली ऐसी थी। तो यहाँ पे तीनों का मिश्रण जो बनेगा उसको हम इवनिंग स्टार बोलेंगे, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ जाएगा। वेयर इज द मॉर्निंग स्टार इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न दैट अपीयर एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एंड सिग्नल अपसाइड रिवर्सल। अपसाइड जो ट्रेंड था वो रिवर्स होने वाला है। शुड बी अवेयर ऑफ दीज डिफरेंट ट्रेडिंग पैटर्न एंड द इवनिंग स्टार इज एन इम्पोर्टेंट वन टू पे अटेंशन टू। इस पे आपको खास ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से करवा सकते। यहाँ तक हमारी जो टोटल सारी कैंडलस्टिक्स थी वो कवर हो चुकी है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गई होंगी। मोरोबोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कर लिया, स्पिनिंग टॉप, टॉप पे बनेगा, बड़ी बड़ी पिक होगी, ग्रेप स्टोन डोजी ऊपर से खाली होके नीचे आएगा, शूटिंग स्टार बनेगा टॉप पे, बेसिकली बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को एनगल्फ कर लेगी, बेरिश एनगल्फिंग बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल को एनगल्फ कर लेगी टॉप पे या बॉटम पे। बुलिश हरामी मदर बेबी कैंडल है, बेरिश हरामी मदर बेबी कैंडल है। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या है? थ्री कैंडल है, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल और उसके टॉप पे हम बाय या सेल का डिसीजन लेंगे। मॉर्निंग स्टार होगी नीचे, इवनिंग स्टार होगी। तो यहाँ तक ये सारी कैंडल स्टिक आपकी कवर हो चुकी हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे सभी कैंडल स्टिक के बारे में। अगर आपको मेरा ये एफर्ट आपके लिए थोड़ा सा भी इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिला, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।